हाँ जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी पहल शुरू कर रहा हूँ, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स से डरते हैं उनके डर को निकालने की कोशिश मैं यहाँ पर करूंगा। और इसी सीरीज के अंदर आपके साथ में असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन को किस तरीके से आप अटेंड कर सकते हैं, किस तरीके से स्टूडेंट को सोचना चाहिए, और यही दो मेजर पोर्शन है बेसिकली जिससे स्टूडेंट घबराता है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जैसे स्टूडेंट के सामने आता है तो स्टूडेंट घबराना शुरू कर देता है, वो सोचता है किस तरीके से इसके आंसर को करूंगा, और जैसे ही स्टूडेंट घबराना शुरू करता है तो मैथमेटिक्स एक बोझ उसके लिए बन जाती है। तो वो दिल से डर निकालने का काम यहाँ पर इन वीडियोज के अंदर मैं करने वाला हूँ, और हफ्ते के अंदर 2 से 3 वीडियो लाने की कोशिश मैं करूंगा। लेकिन ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा वीडियोज के ऊपर रहता है। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उस चीज पर भी डिपेंड करता है कि कितनी यहाँ पर वीडियो आपके लिए आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि वास्तव में इन वीडियो से आपको फायदा मिल रहा है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर आपको इसका आंसर पता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तरीका डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आंसर तक पहुंच सकते थे। अगर आपको मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज वगैरह नहीं याद रहते, नहीं होता याद, तो कोई बात नहीं, बेसिक सेंस से किस तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हैं बिना कैलकुलेटर के, ये सब चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन 60 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन पासेस द गर्ल सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 15 सेकंड, द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन इज। तो दो ट्रेन है हमारे पास में, एक ट्रेन का नाम मैंने ए रख दिया है, और यहाँ पर ये जो ट्रेन है मैं बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवा सकूं। दूसरी ट्रेन का नाम बी मैंने कर दिया। अब यहाँ पर ये जो ट्रेन है, पहले वाली ए ट्रेन, इसकी रफ्तार है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। दूसरी जो ट्रेन है उसकी रफ्तार है 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। अब सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, इसलिए यहां पर इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि फर्स्ट ट्रेन हर घंटे कितना आगे निकल जाएगी। डिफरेंस निकाला तो पता लगा 15 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि ए ट्रेन बी ट्रेन से 15 किलोमीटर आगे निकल जाएगी हर घंटे। अब हर घंटे 15 किलोमीटर आगे निकल रहे, यानी 60 मिनट के अंदर 15 किलोमीटर आगे निकल रही है, तो 15 सेकंड के अंदर कितना आगे निकलेगी ये अगर हमने निकाल लिया तो हमारे पास में लेंथ आ जाएगी। 60 मिनट में 15 किलोमीटर जा रही है, तो 1 मिनट में कितना जा रही है ये पता लगाने के लिए मैंने इसको 60 से डिवाइड कर दिया। इसको जैसे ही 60 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास में कितना आ गया, 0.25 किलोमीटर आ गया। 0.25 किलोमीटर 1 मिनट के अंदर पास कर रही है। किलोमीटर को एक बार मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आंसर मेरे पास में मीटर में, और लेंथ भी मीटर में ही होगी, किलोमीटर में तो कैसी हो सकती है। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 0.25 का क्या मेरे पास में आ जाएगा, 250 मीटर। तो 250 मीटर जो है वो 1 मिनट के अंदर ये ट्रेन आगे की ओर जाती है। अब 1 मिनट के अंदर 250 मीटर जाती है, तो 15 सेकंड के अंदर कितनी जाएगी, 1 मिनट के अंदर आप लोग जानते हैं कि 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, यानी कि इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो 1 सेकंड में मुझे पता लग जाएगा कितना मीटर आगे जाती है। लेकिन 1 सेकंड का पता लगाने का फायदा नहीं, क्योंकि 15 सेकंड लगाऊंगा तो फायदा होगा, तो आंसर आएगा मेरे पास में। इसलिए इसका मल्टीप्लाई मैं कहां से करवा दूंगा, इसका मल्टीप्लाई मैंने करा दिया 15 से। अब इसकी कैलकुलेशन जब आप कर लेते हैं, ये बड़े आसान कैलकुलेशन है, 15 चौके 60 आ गया, और 4 से आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास में 62.5 मीटर आ गया। एक तरीके से ये आपको ट्रेन की स्पीड बता रहा है कि 15 सेकंड के अंदर इसने कितना आगे चला है। और रियल सेंस के अंदर तो आप जानते हैं कि अगर कोई लड़की इसके अंदर बैठी है और उसको 15 सेकंड क्रॉस करने में लगा, तो ट्रेन अगर यहां से शुरू हुई, इसने यहां से शुरू की और 15 सेकंड काउंट करने शुरू कर दिए, 1 2 3 4 इस तरीके से गिनते गए, और ट्रेन का पिछला भाग जब इसको क्रॉस कर जाएगा तो 15 सेकंड कंप्लीट हो गए। तो एक तरीके से ट्रेन की लेंथ निकल गई कि नहीं निकल गई, तो वही हमारे पास में 62.5 आ जाएगा। देखा जाए तो रिलेटिव स्पीड और इस तरीके के फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज आएंगे, बट वो चीज आपको करवाने की जरूरत यहाँ पर महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि बेसिक सेंस से जब आप चीजों को देखते हैं तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस तरीके का आपको ये तरीका लगा। मैथमेटिक्स एक जादू है, और भी बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को करने के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है बिना कैलकुलेटर वाला और बिना किसी फॉर्मूला वगैरह, तो आप बेसिक सेंस से आंसर तक पहुंच सकते थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकन के साथ में, और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप एबी गुरुजी को भी ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। और अगर आप 2022 के चल रहे बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे टीम मेंबर्स आपको नए बैच के अंदर ऐड कर देंगे सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।